हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कनाडा बायोमेट्रिक दुबई में प्रोवाइड करने के बारे में ये बात करेंगे, क्योंकि इंडियन एप्लीकेंट के लिए विजिटर वीज़ा जहाँ टूरिस्ट वीज़ा के बायोमेट्रिक मैंडेटरी है, लेकिन इंडिया में अभी इसके ऊपर अपडेट नहीं आ रही, जो कि उम्मीद है कि शायद मई से स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन जिनको अर्जेंट ट्रैवल है वो दुबई को एक ऑप्शन देख रहे हैं। सो अगर दुबई की हम बात करते हैं तो दुबई में VFS ग्लोबल का ऑफिस है, आप जा सकते हैं, मैं एड्रेस भी शेयर करूँगा। दुबई के साथ साथ अबू धाबी, क्योंकि दुबई एक 7 स्टेट का पार्ट है, UAE हम बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टूरिस्ट के लिए ये टॉप की डेस्टिनेशन है। तो वहाँ आप जाके अपने बायोमेट्रिक दे सकते हैं, अबू धाबी वाले सेंटर भी जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है, लेकिन अपॉइंटमेंट की अगर बात करते हैं तो बायोमेट्रिक का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ट्रैवल कॉस्ट आपको पड़ेगा। अगर आप दुबई या नेपाल जाते हैं तो दुबई में अप्रॉक्सीमेटली 35,000 आपको ट्रैवल कॉस्ट जो है वो पड़ सकती है कनाडा के बायोमेट्रिक प्रोवाइड करने के। लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बेस्ट तो है कि आपको वेट करना चाहिए एक आधा मंथ, क्योंकि अगर यहाँ पे खुलते हैं तो ही आगे चल के आपके एक तो कॉस्ट बचेगी और रिजल्ट को लेकर कोई सिनेरियो क्लियर हो सकता है। काफ़ी एप्लीकेंट वहाँ जाके प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपायर्ड बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर नहीं चल रहा है। आप ऑन स्पॉट जाके भी वहाँ पे कैश पे करके भी प्योर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये इसका एड्रेस है अगर बात करते हैं तो, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वाईफी मॉल 2nd फ्लोर में है। तो इस पे जाके आप डायरेक्ट भी वॉक इन करके भी वहाँ कैश पे करके भी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। प्रोसीजर ऑनलाइन है, आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है, उनके UAE का दुबई सेंटर की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आगे आपको ऑनलाइन बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन बनाते हो, जैसे पहले इंडिया में चलता था। लॉगिन बनाने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हाँ, स्लॉट आपको शायद 1 महीने बाद का मिले, अबू धाबी ट्राई करोगे तो आपको जल्दी का मिल जाएगा। आप टूरिज्म के लिए जाते हो अगर दुबई तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली इतनी कॉस्ट लगाना कोई बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, इतना भी हुआ है कि कुछ एप्लीकेंट जैसे स्टूडेंट गए थे तो उनको रिजल्ट भी बाद में जल्दी देखने के लिए मिले थे, क्योंकि वो बायोमेट्रिक वहाँ प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इंडिया में भी स्टार्ट हो गए। तो मेरी एडवाइस है, अगर आपके फैमिली रीज़न नहीं है, अर्जेंट ट्रैवल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर फैमिली रीज़न है, अर्जेंट ट्रैवल है, आप नेपाल या दुबई का ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आपको जल्दी आएगा। हाँ, एग्जेम्पशन में आप आते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपका ट्रैवल पहले जाना जरूरी है, मीन टू से आपका कोई ब्रदर सिस्टर ब्लड रिलेशन में ऑलरेडी कनाडा में PR या सिटीजन है, या किसी के फैमिली रीजन में एमरजेंसी में आप जा रहे हो, तो ऐसे रीजन्स वाले जो हैं जिनके एग्जेम्पशन मिल सकती है वो ट्राई कर सकते हैं दुबई या नेपाल की ऑप्शन। अदरवाइज वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन है, तो ये सारे वे हैं इनसे कॉन्टैक्ट करने के, जहाँ दुबई में बायोमेट्रिक देने के, वीज़ा लेके आप जा सकते हैं। सो बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई रीसेंट डेवलपमेंट आएगी बायोमेट्रिक, जैसे अनाउंसमेंट आते, इसी चैनल पे सबसे पहले नई वीडियो आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।